हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 31 जुलाई 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, तो चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। आज सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वह है इनर लाइन परमिट को लेके। तो क्या है इनर लाइन परमिट, इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहले थोड़ा कंटेक्स्ट देखते हैं। कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि मणिपुर को स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए अभी पार्लियामेंट में एक नया बिल है वो लेके आ गया है। तो देखो, बिल अभी लाया गया तो वो तो बिल तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, बट वहाँ पे एक वर्ड आता है, वो आता है इनर लाइन परमिट के बारे में। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है इसको हम थोड़ा जान लेते हैं। देखो, आपको पता है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट के एरिया में काफ़ी ज़्यादा ट्राइब है वो रहती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के एरिया में कुछ लिमिटेड एरिया हैं जहाँ पे कुछ मतलब स्पेशल जो ट्राइब हैं वो रहती हैं। तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए कि भाई उन एरिया में कोई दूसरे जो और लोग हैं वो वहाँ पर जाके घर वगैरह ना खरीद सके, वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी वगैरह ऐसे काम है वो ना खरीद सके, मतलब ताकि उनकी सॉवरेनिटी का भी इशू ना हो और वो लोग वहाँ पर आराम से अपनी लाइफ है वो एक तरीके से आगे कंटिन्यू है वो कैरी कर सकें। इसीलिए इनर लाइन परमिट की व्यवस्था गई थी कि कुछ जो स्पेशल प्रोटेक्शन वाले एरिया है हमारे देश में, उन एरिया के अंदर लिमिटेड मात्रा में ही एक्चुअली जो देश के सिटीजन है उनको वहां पे परमिशन वगैरह दी जाएगी टूरिज्म वगैरह के लिए। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट लगा था इन लाइन परमिट। मतलब यहाँ पे ये है कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं, कौन कौन से स्टेट हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हुआ, मिजोरम हुआ और नागालैंड, इन स्टेट के अंदर क्या है एक्चुअली कुछ लिमिटेड एरिया, सारे स्टेट की बात नहीं की जा रही यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के भी कुछ लिमिटेड एरिया हैं, या बोल सकते हो कि लिमिटेड जिले वगैरह बोल सकते हो, तहसील वगैरह बोल सकते हो। उन एरिया के अंदर अगर आपको जानना होता है टूरिज्म के तरीके से तो वहाँ पे आपको एक परमिट लेके जाना होता है कि आप वहाँ पे टूरिज्म के मोटो से जा रहे हो बेसिकली। तो ये आपको ध्यान है वो रखना है। इन तीन स्टेट में ये भी करंटली लागू है, तो बात ही की जा रही है कि मणिपुर में भी ये भी इसको लागू किया जाए इन लाइन परमिट को। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान है वो रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये केवल ट्रेवलिंग पर्पज के लिए है, मतलब केवल और केवल टूरिज्म के लिए है, बाकी किसी और से काम के लिए नहीं है कि वहाँ पे आप जाके प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सको, ऐसा कुछ भी वहाँ पे अलाउ है वो नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है एक छोटी सी वो आई है नासाम्स के बारे में। तो क्या है नासाम्स, ये हम देख लेते हैं। नासाम्स सेकंड है, वो एक्चुअली इंडिया है, वो अभी प्लान कर रहा है कि भाई यूएसए से हम बाई करेंगे। नासाम्स का मतलब है नॉर्वेन एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, सेकंड है एक्चुअली यहाँ पे, क्योंकि इसका फर्स्ट वर्जन था और अभी सेकंड वर्जन इंडिया बाई करने का प्लान है वो कर रहा है। देखो, ये एक्चुअली डिफेंस सिस्टम है एयर जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। देखा जाए तो इंडिया की जो नेशनल कैपिटल रीजन है दिल्ली एनसीआर वाला एरिया, इस एरिया को स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए इसको इस जो आप ये क्या बोल सकते हो कि मिसाइल सिस्टम है, एयर मिसाइल सिस्टम जिसका नाम है नासाम्स, इसको गवर्नमेंट बाई ये करने की प्लान है वो कर रही है। तो यूएस के साथ अभी बातचीत वगैरह चल रही है ताकि इसको प्रोक्योर है वो किया जा सके। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, बस आपको ये ध्यान रखनी है। यहाँ पे यूपीएससी बेसिकली दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकती है, एक तो ये कि नासाम्स है क्या, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है सरफेस टू एयर, ये बात होगी क्लियर। दूसरी बात ये कि इंडिया कहाँ से ले रहा है, रशिया से ले रहा है, फ्रांस से ले रहा है या फिर यूएसए से, तो ये हमें ध्यान होना चाहिए कि हाँ भाई इंडिया है वो एक्चुअली यूएसए से इसको प्रोक्योर करने की बात है वो अभी कर रहा है ताकि दिल्ली एनसीआर वाले एरिया को और ज़्यादा सेफ है वो बनाया जा सके। इसके अंदर देखो जो भी अनमेंड व्हीकल होते हैं, ड्रोन वगैरह होते हैं, उनसे सेफ्टी वगैरह के बहुत ही हाई इफिशेंसी क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज हैं वो किए गए हैं। तो बाकी सब हमारे लिए इतना कुछ काम का नहीं होता है टेक्निकल ज़्यादा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो आई है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के बारे में। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर क्या है और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है वो क्या है। कंटेक्स्ट देखो है क्या, पहले वो भी हम देख लेते हैं। कंटेक्स्ट जैसा कि आपको मैं बताता हूँ कि रेलवे ने भी ये प्लान किया है कि भाई 190 किलोमीटर का जो एरिया है दादरी से लेके फुलेरा तक का, फुलेरा आता है राजस्थान में जयपुर में और दादरी आती है आपको पता है यूपी में, तो इन दोनों एरिया के बीच में 190 किलोमीटर की दूरी है, तो उस दूरी में रेलवे का कॉरिडोर है वो बनाया जाएगा। ये यहाँ पे बेसिकली नई गाइडलाइन है वो लेके गई है, तो ये हमें ध्यान है वो रखनी है। तो अभी बात ही की जा रही है कि जो अभी 15 अगस्त आने वाला है इसी मौके पर इसके शुभारंभ करने की बात है वो की गई है। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर कौन सा है और वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर कौन सा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है क्या। देखो, ये एक्चुअली रेलवे का एक प्लान है ताकि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाए, और अहम बात इसमें ये रखी गई है कि जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है यार बोल सकते हो आप, लॉजिस्टिक सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस है, उसको बिल्डअप करने के लिए डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण है वो किया गया है। तो ये चीज़ आप अभी देखो, वैसे तो कंस्ट्रक्शन फॉर्म में है, ऐसा नहीं कि सारे एक्टिव हो गए हैं, बट अभी इनका काम है वो चल रहा है बेसिकली। अब ये कहाँ से कहाँ तक बनाया गया है वो भी हम देख लेते हैं, हम एक एक को डिस्कस करने वाले हैं। तो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक्चुअली इंडिया में कनेक्टिविटी को बनाने के रखने के लिए, केवल और केवल लगेज के लिए, ये ध्यान रखना, मतलब सामान की माल ढुलाई को इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए
बनाए गए ताकि इंडिया की लॉजिस्टिक सर्विस है वो बहुत अच्छी हो सके, क्योंकि इंडिया में भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत पीछा है। तो उसको लेके तो ये जो नई रेल लाइन बनाई जाएंगी, इन रेल लाइन पे सिर्फ और सिर्फ केवल माल ढुलाई होगी, मतलब केवल मालगाड़ियां चलेंगी, बाकी वो ट्रेन नहीं है। तो ये बेसिकली दो बनाए जा रहे हैं, एक तो नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए, और इसी के साथ एक बनाया जाएगा नॉर्थ टू वेस्ट को कनेक्ट करने के लिए। जैसा कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर बनाया गया था दिल्ली मुंबई चेन्नई और वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करते हुए, उसी तरीके से इस पर बनाया जा रहा है ताकि ऑल इंडिया में कनेक्टिविटी है वो बनाई जा सके। अब हम बात करें यहाँ पे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की, तो ये एक्चुअली 1504 किलोमीटर लंबा है। कहीं लिखा हुआ देखो 1499, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए कि कितना क्या है कहाँ से कहाँ तक। ये एक्चुअली आपको पता है बॉम्बे में एक पोर्ट है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तो वहाँ से JNPT पोर्ट से लेकर दादरी तक है। तो कौन कौन से स्टेट कवर करेगा, एक तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ये बेसिकली स्टेट कवर करेगा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और UP। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे MP नहीं है, आप कई बार कन्फ्यूज हो सकते हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाता है। और ये बेसिकली दादरी जो एरिया आता है इस वाले एरिया में कनेक्ट करेगा, यहाँ पे ये ईस्टर्न कॉरिडोर को भी कनेक्ट करने वाला है। जैसा कि एक बार हम आपको एक सेकेंड, हाँ आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे है ईस्टर्न कॉरिडोर, ये देख सकते हो यहाँ से आता हुआ। ईस्टर्न कॉरिडोर की लोकेशन क्या है वो भी हम देखते हैं। ईस्टर्न कॉरिडोर है वो बेसिकली बनाया गया है यहाँ से लुधियाना से लेके और दानापुरी जो कि आता है वेस्ट बंगाल में, तो इस वाले एरिया तक यहाँ तक बनाया गया है ईस्टर्न कॉरिडोर। अब ये ईस्टर्न कॉरिडोर और यहाँ पे ही आता है वेस्टर्न कॉरिडोर जिसके आप देख सकते हो। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर दोनों कहाँ मिलते हैं, एक तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है, तो ये मिलते हैं दादरी में, तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ पर इनकी लोकेशन है, मतलब दोनों आपस में मिलते हैं। इसके साथ ही हम बात करें ईस्टर्न कॉरिडोर की, ईस्टर्न कॉरिडोर की, तो वो एक्चुअली 1839 किलोमीटर लंबा है, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए कि लेंथ कौन सा ज़्यादा बड़ा है कौन सा क्या है। काम कैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि इंडिया में माल ढुलाई की स्पीड को बढ़ाने के लिए रेल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, इन पर केवल और केवल मालगाड़ी चलेंगी, ऐसा नहीं कि पैसेंजर ट्रेन चलेंगी, क्योंकि अभी देखो जो नॉर्मल लाइन है इन पर पैसेंजर ट्रेनों का बहुत लोड होता है, इसलिए माल ढुलाई में काफ़ी डिले होता है। तो अभी ट्रांसपोर्ट सर्विस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हैं वो जा रहे हैं। तो अभी इसका एक छोटा सा जो पार्ट है याद देख सकते हो, अब दादरी से फुलेरा तक का 190 किलोमीटर का ये भी एक्टिव करने की बात है वो की जा रही है, तो उसको लेके भी न्यूज़ वगैरह आई है। तो ये हमें ध्यान है वो रखना है कि भाई ईस्टर्न कॉरिडोर क्या है, वेस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर क्या है, जो कि बेसिक फैक्ट हमारे लिए हो जाते हैं। नेक्स्ट एक छोटी सी न्यूज हुआ है लूनर एक्लिप्स के बारे में, मतलब चंद्र ग्रहण के बारे में है। तो क्या होता है चंद्र ग्रहण, हम वो देख लेते हैं। देखो चंद्र ग्रहण का सीधा सा मतलब ये है, अर्थ है ना वो एक साइड तो मून और एक साइड होता है सन, मतलब अर्थ है वो सन और मून दोनों के बीच में आ जाती है। उस कंडीशन में होता क्या है, आपको पता है कि मून है उसके पास खुद ही तो लाइट तो होती नहीं है, मून तो एक्चुअली सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करके मतलब चमकता है। तो इसलिए होता क्या है कि जो सन की लाइट है ना वो अर्थ से क्रॉस तो हो नहीं पाती है, और यहाँ पे क्या होती है मून के ऊपर अंधेरा सा हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि अर्थ जो मून हुआ इस पर थोड़ी, मतलब आप बोल सकते हो कि चंद्रमा हुआ इस पर थोड़ी धुंधली धुंधली लाइट ही जाती है, तो इसलिए इसमें क्या है कि मतलब अंधेरा हो जाता है और हमें चंद्र ग्रहण है वो बेसिकली दिखता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि चंद्र ग्रहण में एक तो होता क्या है, ये हमने यहाँ पे देख लिया कि भाई लूनर इक्लिप्स में हो क्या रहा है, ये तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। इसके साथ ही एक वर्ड और आता है, वो आता है ब्लड मून। ब्लड मून की कंडीशन का देखो मतलब ये है, जब ये तीनों प्रॉपर लाइन में हो जाए, एक तो देखो ऐसा हो कि जैसे ये सन है यहाँ पे अर्थ होगी और ये मून थोड़ा यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा हो तो थोड़ा धुंधला धुंधला दिखेगा, और एकदम प्रॉपर लाइन में हो जाए इस कंडीशन में कि यहाँ पे कोई भी जो लाइट नहीं पहुँच रही है मून के पास, ये कंडीशन हो जाएगी ब्लड मून। इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा मून है ना चंद्रमा वो हमें यहाँ से अर्थ के सर्फेस से हम देखेंगे इस वाले से, तो हमें क्या दिखेगा रेड कलर का दिखेगा। देखो रेड कलर का बेसिकली इसलिए दिखता है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब भी आपको पता है कि देखो सन की लाइट सूरज से जो भी लाइट आती है ना उनमें सारी रेज होती हैं, ब्लू भी होती हैं, येलो भी होती हैं, ग्रे भी, सब इसमें इंक्लूड होती हैं। बट जैसा आपको बता दूं कि रेड कलर होता है ना उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब रेड कलर वो बहुत दूरी तक ट्रेवल वो कर सकता है। तो इसलिए होता क्या है, जब ये यहाँ पे सारी लाइटें निकलती हैं तो रेड कलर वाली लाइटें हैं वो अर्थ के एटमोसफियर पे थोड़ी बहुत क्रॉस करते हुए क्या है धुंधली धुंधली क्रॉस करते हुए यहाँ पे क्या है थोड़ी मून के पास पहुँच जाती हैं हल्की हल्की सी। तो जब ये मून के ऊपर जाके रिफ्लेक्ट करेंगी तो हमें रेड कलर तो दिखेगा ना, इसलिए रेड कलर का दिखता है। तो ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि मून ब्लड मून क्या होता है। और अभी कंटेक्स्ट ये था कि अभी रिसेंटली 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा जो लूनर एक्लिप्स है वो अभी हुआ था, 1 घंटे 43 मिनट का था, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए कब क्या था। इसके साथ एक छोटी सी न्यूज़ और ये है कि केरला जो गवर्नमेंट है उसने वहाँ पे स्टेट के द्वारा, केरला स्टेट है उसने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, वुमेन को एम्पावर करने के लिए आप बोल सकते हो कि पहला ऐसा होटल खोला जहाँ पे सारा स्टाफ है वो वुमेन का होगा। होटल का जो नाम है वो रखा उन्होंने रखा है होस्टेस, HOSTESS, तो ये उन्होंने होटल का नाम रखा है। यहाँ पे जो भी स्टाफ होगा वो सारा एक्चुअली वुमेन एम्प्लॉयमेंट हो गई, वुमेन एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे फोकस है वो किया गया है। तो ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखनी है।
नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो आई है मिशन सत्यनिष्ठा के बारे में। तो मिशन सत्यनिष्ठा ये एक्चुअली रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा स्टार्ट है या रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा लैग है। इसका मेन मोटो क्या है, वो ये है कि जो रेलवे के एम्प्लॉय हैं या जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनके अंदर अच्छी एथिकल वैल्यू है उनको पुट किया जाए और उनके अंदर एक तरीके से लाभ हो सकते हो कि जो क्वालिटी वाले स्टैंडर्ड हैं उनको बनाए रखने के लिए बेसिकली इसका ये मिशन है, ये लैग है। मतलब जो पर्सनल लाइफ है इसके अंदर एथिकल वैल्यू को ऐड करने के लिए, इसके साथ ही इनर गवर्नेंस होगी सिस्टम में उसको बढ़ाने के लिए मिशन सत्यनिष्ठा है वो रेलवे के लिए लाया गया। तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है कि मिशन सत्यनिष्ठा कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, क्या इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है वो ये भी आई है आज जो न्यूज़पेपर की द हिंदू की, वो ये है कि एनआरसी के बारे में ये कि नेशनल जो रजिस्टर है नागरिक रजिस्टर है इसकी बात की गई है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है इसकी सेकंड लिस्ट है, सेकंड ड्राफ्ट है वो भी जारी किया गया है। तो देखो ये फाइनल ड्राफ्ट कहा गया है बट इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस वगैरह किए जाएंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है एनआरसी है क्या, नेशनल जो ये बात की जाए यहाँ पे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ये बेसिकली इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनका एक तरीके से आप बोल सकते हो कि रजिस्टर है, इसके अंदर उनके नाम वगैरह मेंशन है। तो जो एनआरसी है ये बेसिकली तैयार की गई थी आसाम के लिए। जैसा कि देखो मैं आपको थोड़ा मैप में दिखा दूं तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये आप यहाँ पे एक सेकेंड ये देख सकते हो, यहाँ पे आसाम की लोकेशन है, नॉर्थ ईस्ट की लोकेशन भी हम एक बार देख लेते हैं। तो आसाम में क्या होता है कि जो भी यहाँ पे रिफ्यूजीज वगैरह माइग्रेंट्स वगैरह आते हैं बांग्लादेश से वो क्या करते हैं इस वाले एरिया में घुस जाते हैं मैक्सिमम, त्रिपुरा को भी क्रॉस करते हुए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो उनके पास ज़्यादा जगह नहीं मिलती है। तो आसाम क्या है कि थोड़ा प्लेन एरिया आता है नॉर्थ ईस्ट के एरिया में अगर देखा जाए तो, बाकी में तो काफ़ी ज़्यादा हिली एरिया रहता है। तो लोग जो भी यहाँ से माइग्रेंट्स आते हैं वो धीरे धीरे मेघालय वगैरह को उनको क्रॉस करते हुए यहाँ पे आसाम में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इनका जो डेमोग्राफी डिविडेंट है वो भी काफ़ी बदल रहा होता है। इस कंडीशन में ये एनआरसी बनाया गया था ताकि भाई पता चले कि कौन कौन से लोग बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि 1951 में सबसे पहले इसको बनाया गया था तो उस टाइम पे पता चल गया कि भाई कौन कौन नागरिक यहाँ के हैं। इसके बाद अगर वापस इसको बनाया गया था तो अगर पता चल जाएगा हमें कि भाई कौन कौन नए लोग हैं वो जो बाहर से आए हैं तो इसलिए उनको बाहर से निकाला जा सकता है। तो बेसिकली आसाम के अंदर ही भी ये बना है वो गया, तो ये चीज़ हमें थोड़ी ध्यान है वो रखनी है। अब इसमें बनाता कौन है, सबसे पहली बात तो है कि जो ये नेशनल रजिस्टर ये बनाया जाता है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया है वो जाता है। पहला जो इसके फेज था बोल सकते हो कि पहली बार नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है ये 1951 में जारी है वो किया गया था। ये ध्यान रखना केवल और केवल आसाम के लिए, सारे स्टेट्स नहीं है, सबसे पहले आसाम ने इससे रिलीज है वो किया है। इसके बाद में देखो हुआ क्या कि 1951 के बाद लगातार रिफ्यूजी प्रॉब्लम है वो बढ़ती गई आसाम में और वहाँ का डेमोग्राफी वो चेंज होती गई। इसीलिए ये किया गया था कि ये प्रावधान किया गया कि भाई 24 मार्च 1971 है, इससे पहले के जो लोग आसाम में हैं उनको तो आसाम की नागरिकता है बोल सकते हो, इंडिया का सिटीजन है वो माना जाएगा, और इसके बाद जो भी लोग यहाँ पे आके हैं अवैध या इलीगल तरीके से बसे हैं उनको एक्चुअली यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। तो उसी के लिए भी ड्राफ्ट वगैरह वो पब्लिश किए गए हैं कि भाई इससे पहले कौन कौन लोग थे इसके बाद कौन कौन है, तो उसी को लेकर भी सारा गर्मा गर्मी चल रही है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट के लिए है और क्या है कौन सी मिनिस्ट्री है, तो वो बेसिक फैक्ट्स थे वो हमने देख लिए, बाकी की जो राजनीति है वो हमारे लिए कोई काम की नहीं है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो आई है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में। हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है वो मनाया जाता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि भाई हेपेटाइटिस है वो क्या करता है, देखो बेसिकली हम बात करें तो हेपेटाइटिस वो 5 टाइप का होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि वायरस क्या है, तो देखो वायरस का नाम है वो ऑब्वियसली हेपेटाइटिस ही है, अगर हेपेटाइटिस ए हुआ है तो हेपेटाइटिस ए वायरस हो जाएगा, मतलब इनके नाम पे वायरस का नाम है वो रखा गया, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होने की जरूरत है। अब इसमें इफेक्ट क्या होता है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो जो हमारा लीवर होता है उसके अंदर इसमें क्या होता है सूजन आ जाता है, लीवर में जलन होने लगती है, लीवर ढंग से काम नहीं करता है, तो इस कंडीशन में हमें काफ़ी सारी डिजीजें होने लग जाती हैं और इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस वो बेसिकली लीवर को इफेक्ट है वो करता है। अब बात हम करें कि लीवर इफेक्ट क्यों होता है, देखो बहुत से रीजन हो सकते हैं, या तो कुछ जेन्यून आप बोल सकते हो कि जेनेटिक्स रीजन भी हो सकते हैं, या फिर एल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा होने से भी हो सकते हैं, या फिर आप ड्रग्स वगैरह का सेवन कर रहे हो उस कंडीशन में भी, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो गया है उस कंडीशन में भी। देखा जाए तो इंडिया में जो मैक्सिमली हेपेटाइटिस के केस आते हैं वो आते हैं कंटेनमेंटेड इक्विपमेंट की हेल्प से, मतलब जो हॉस्पिटल में उपकरण यूज़ किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट वगैरह वो क्या होते हैं कहीं ना कहीं संक्रमित होते हैं, मतलब उनको ढंग से साफ नहीं किया होता है, नए इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज किए जाते हैं सीरीज वगैरह, तो उस कंडीशन में अगर एक इंसान को हेपेटाइटिस है और वही सीरीज दूसरे के लिए यूज कर ली तो उसमें क्या हो जाएगा हेपेटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हो भी जाते हैं।
इसके साथ ही एक जो इम्पोर्टेंट फेज हुआ है कि इसमें लीवर कैंसर भी हो जाता है, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान है वो रखनी है। अब बात करें हम यहाँ पे, तो जो हेपेटाइटिस ए और बी है इसको तो एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट है वो दिया गया है। सी को थोड़ा सपोर्ट यहाँ पे कम, मतलब सी के लिए कोई ड्रग्स है वो अभी तैयार नहीं की गई है। बाकी डी और ई, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस ए बी डी और ई, इनको तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बट सी का अभी ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल नहीं है। केवल बाई मेडिसिन से ही इनका ट्रीटमेंट है बेसिकली किया जाता है, मतलब प्रॉपर इसके लिए कोई ड्रग्स वगैरह भी नहीं बनाई गई है सी के लिए। और हेपेटाइटिस बी की बात करें तो उसको इंडिया का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंदर भी शामिल है वो किया गया, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि हेपेटाइटिस बी को इंडिया के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी शामिल है वो किया गया है, ताकि सार्वजनिक जो टीकाकरण अभियान चलाया गया है उसमें इसे ऐड है वो किया गया है। इसके साथ ही एक अहम फैक्ट हमें ये ध्यान रखनी है कि WHO की एक ग्लोबल स्ट्रेटजी है हेपेटाइटिस के लिए कि भाई 2030 तक हमें हेपेटाइटिस बी और सी को ख़त्म है वो करना है, तो ये भी थोड़ा हमें ध्यान है वो रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज आई है वो आई है इबोला वायरस को लेके। कंटेक्स्ट यह है कि इबोला वायरस का नया जो जीन आप बोल सकते हो कि नया जो वर्जन है वो अभी बामबोली में पाया गया है। बामबोली है कहाँ पे, ये एक्चुअली आता है अफ्रीकन कंट्री, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है जिसका नाम है साइरे लियोन, तो यहाँ पे बेसिकली ये पाया है वो गया है। तो देखो हम इबोला वायरस की बात करें तो बेसिकली ये इबोला जो वायरस है उसकी वजह से फैलता है। कौन कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज से बेसिकली ये फैलना शुरू होता है, जैसे जायरो हुआ, सूडान हुआ, जो बहुत लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ से, तो ये ध्यान रखने से। जो थाई फॉरेस्ट है वहाँ पे भी ये पाया गया है। बेसिकली इसमें क्या है, फीवर होता है जिसको नाम बोलते हैं इबोला हेमोरेजिक फीवर, तो ये ध्यान रखना है। इबोला हेमोरेजिक जो फीवर है उसमें क्या होता है, यहाँ पे बुखार उखार हो जाती है उस कंडीशन में। ये एक तो ह्यूमन टू ह्यूमन भी, मतलब आप बोल सकते हो कि संक्रमित करती है, इसके साथ ह्यूमन टू एनिमल और एनिमल टू ह्यूमन, मतलब अगर एक बार किसी में फैल गया जानवर इंसान में तो फिर ये लगातार स्प्रेड है वो करता रहता है चारों तरफ, तो ये चीज़ें हमें थोड़ी ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे अहम बात आती है हमारे लिए लोकेशन की, तो वो हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो ये तो रही अफ्रीका और ये यहाँ पे आ गया वेस्टर्न अफ्रीका वाला एरिया, तो एक सेकेंड थोड़ा जूम करते चलते हैं। ये रही यहाँ पे, ये आप देख सकते हो गुनिया जो कंट्री है इसके जस्ट पास में, यहाँ पे कॉन्टिनेंट आप देख सकते हो तरीके से, जो एटलांटिक ओशियन है उसको यहाँ पे इसका बॉर्डर वो फेस करता है साइरे लियोन। इस कंट्री में बेसिकली अभी इसके वायरस होने पाए गए हैं, तो यहाँ पे एक बार इनकी लोकेशन भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली घाना कंट्री है जहाँ पे हमारी कुछ टाइम पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर वो विजिट पे गए थे। यहाँ पे एक आपको ये बतानी है कि तेल रिवर है उसकी लोकेशन कहाँ पे है वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। तेल रिवर है वो कहाँ से निकलती है, उसका सब नाम है वैसे तेल रिवर, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे नाइजीरिया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इस वाले एरिया में। आपको बता दूँ कि ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, ऑयल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये थोड़ी हमने लोकेशन देख ली है यहाँ पे। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो हमारी न्यूज़ है वो हमने इबोला को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर था उसे भी हमने कंप्लीट है वो कर लिया। हाँ यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट आप ये देख लेना कि वेस्टर्न डेडिकेटेड जो फ्रंट कॉरिडोर या ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है इनको बना कौन रहा है, इनको बनाया जा रहा है एक्चुअली एक कंपनी के द्वारा जिसका नाम है, आपको वो ध्यान है यहाँ पे रखना है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जो कि एक कंपनी एक्ट है 1956 के तहत बनाई गई है, इसके द्वारा इनका निर्माण हो किया जा रहा है जो कि आती है रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ऑब्वियसली रेलवे का काम है तो इसी मिनिस्ट्री में आएगी, बट थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि भाई ये किसके द्वारा काम किया जा रहा है, क्योंकि रेलवे मिनिस्ट्री ने एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया, एक नया अलग से डिपार्टमेंट बना लिया, कंपनी बना दी इसके लिए, ताकि वो पर्टिकुलर इसी एरिया में काम है वो कर सकें। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिंक है वहाँ मिल जाता है, वहाँ से आप डाउनलोड है वो कर सकते हो। इसके साथ ही फेसबुक का पेज है वहाँ पे डेली PDF है या फोटोज़ के फॉर्म में नोट्स हैं वो शेयर किए जाते हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ से भी फोटोज़ वगैरह के फॉर्म में नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हो। और वहाँ पे आपको फेसबुक पेज पे काफ़ी और भी तरह की स्टडी मटेरियल वो मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उन चीज़ों को भी आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।